हेलो एवरीवन, एबीसी एंड व्लॉग अस्मत बेकिंग कुकिंग एंड व्लॉग्स में वीडियो व्लॉग्स शॉर्ट देखते जाइए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज दिल चाह रहा है कोई फैंसी सी डिश बनाऊं, तो ये एक डिश है, चिकन बनाई मैंने, उसके चिकन ब्रेस्ट, चिकन विंग्स, चिकन टिक्का बनाया, तो ये है चिकन ब्रेस्ट। ज़रा फैंसी सी इसकी चिकन की कटिंग की, चिकन की स्किन उतारी, ब्रेस्ट निकाला और फिर उसकी बड़ी अच्छी सी ज़रा फैंसी लुक वाली कटिंग की। ये किस तरह से की, स्टेप बाय स्टेप वीडियो है, देखते जाइए। और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले ताकि पूरी वीडियो का फन उठाएं। तो ये चिकन ब्रेस्ट निकाल लिया दोनों साइड से, बहुत अच्छी तरह से क्लीन, बिल्कुल हाथ अच्छी तरह साफ करते गए। और फिर इसको जब खूब अच्छी तरह साफ कर लिया तो उसके चिकन ब्रेस्ट के ऊपर ज़रा कट लगाए थोड़े एंगल वाइज, इसको थोड़ी सी फैंसी लुक देना है। तो चिकन ब्रेस्ट तो वैसे भी बस बोटी बनाई और पका लिया, मगर नहीं, ज़रा फैंसी बनाना है तो इसको थोड़ा सा फैंसी लुक भी देना है। तो ये है एक चिकन ब्रेस्ट। अब दूसरे साइड पे भी इसी तरह से ज़रा क्लीन करके उसे, कोई इसके ऊपर चर्बी के पीसेस ना लगे हों, और उसके ऊपर भी इसी तरह कट लगा लिए। बस थोड़ा सा एंगल वाइज लगाना है, ज़रूरी नहीं है कि उसे पूरा डीप तक काटें, पीछे से जुड़ा रहेगा, सिर्फ ऊपर से कट लगेंगे। तो ये देखिए, ज़बरदस्त किस्म के फैंसी से कट लग गए और एक बहुत अच्छी सी लुक दे रहा है ये। बस ऐसे ही अच्छा सा फैंसी सा फैंसी सी एक डिश बनाना है, तो इसको थोड़ी सी मेहनत के साथ ज़रा से प्यार से और बड़ी अच्छी तरह से उसे तैयार कर लिया। ये दे रहा है ज़रा सी हार्ट शेप लग रही है इसकी, और ऊपर से कटिंग के पीसेस नज़र आ रहे हैं। इसी तरह इसका मसाला भी कोई ऑर्डनरी नहीं बल्कि थोड़ा सा फैंसी मसाला है। इसमें है टैलियानो और सॉल्ट, पेपर में भी रेड, वाइट और ब्लैक पेपर मिक्स हैं, जिससे उसका थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है। और इसमें डालना है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल मैं इसके अंदर नहीं मिलाऊंगी बल्कि चिकन के ऊपर से लगाऊंगी। तो अब इस मसाले को अच्छी तरह मिला लिया और चिकन ब्रेस्ट को ऊपर रख के इसके अच्छी तरह से जितने भी ड्राई स्पाइसेस हैं, ये सब ड्राई मसाला है, वो रब कर दिया ज़रा अच्छी तरह, बीच में उसकी कट में भी चला जाए। अब इसे ऊपर से थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा दिया, बस इतना ही ऑयल चाहिए इसमें। फिर इसी तरह दूसरा चिकन ब्रेस्ट भी तैयार कर लिया, उसके ऊपर जहाँ कट हैं उसके ऊपर मसाला खूब अच्छी तरह से लगाया, पीछे भी आगे भी, ये देखें खूब अच्छी तरह उसके कट में भी मसाला लगाना है। बस अब जब मेरा फ्राई पैन अच्छा सा गर्म हो गया तो उसको जहाँ कट हैं उस साइड से पहले डाल दिया। ये देखें, मैंने दो चिकन के ब्रेस्ट लिए हैं, ये देखें कितना अच्छा सा एक चार सा आ गया, उसके ऊपर एक गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। अब यही कलर चाहिए ताकि उसके ऊपर एक खूबसूरती नज़र आए। बस अब इसे कवर करके पकाना है ताकि अंदर तक बहुत अच्छी तरह से हल्की हीट पे ये टेंडर हो जाए, और जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा तो देखें क्या फैंसी लुक दे रहा है। यस, इट इज़ लुक फैंसी, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत कलर भी आया है इसका। तो यस, इट इज़ टू फैंसी, फैंसी चिकन ब्रेस्ट। तो बस इसी तरह से बनाया इसे, और अब इसका इस्तेमाल कैसे है, या तो ऐसा भी सादा भी खाया जा सकता है, और इसकी मुख्तलिफ सैंडविचेस भी बना सकते हैं, पीटा बना सकते हैं। तो जिस तरह डेली पे इसके स्लाइसेस चिकन ब्रेस्ट के मिलते हैं, ज़रा से एक्सपेंसिव होते हैं, मगर घर में देखिए थोड़ी सी मेहनत से कितना अच्छा टेंडर और बहुत फैंसी लुक चिकन ब्रेस्ट तैयार हो गया। अब इसका आज मैं बना रही हूँ क्रोसांट सैंडविच। चिकन ब्रेस्ट के थिन स्लाइसेस काट लिए, ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। ये किसी कोई हाई क्लास सैंडविच, कोई $15 के सैंडविच से कम नहीं लगेगा। तो बस उसमें भी यही सब कुछ होता है, चिकन ब्रेस्ट, थोड़े से स्लाइसेस ककम्बर के, थिन स्लाइसेस टोमेटो के, और थोड़ी सी कोई सॉस। तो अब मैं गार्लिक सॉस इसमें इस्तेमाल करूंगी। ये देखें सब तैयार हो गया। अब एक क्रोसां को बीच में से काट के उसके अंदर थोड़ी सी गार्लिक सॉस लगाई, इसमें भी बड़ा अच्छा फ्लेवर होता है।
तो बस थोड़ी सी गार्लिक सॉस लगा के उसके ऊपर ये चिकन, ये सब चिकन रख दें। बहुत अच्छी, बिल्कुल इसमें किसी ऑयल की ज़रूरत नहीं है, बहुत टेंडर और बहुत अच्छे स्पाइसेस वाली। टमाटो रखें, कुकम्बर रखें, पिकल, रुगला, सैलेड, कोई सी भी सैलेड जो भी पसंद हो वो इसके अंदर रखें। ये ब्रेकफास्ट सैंडविच, क्रोसान सैंडविच तैयार हो गया। बहुत अच्छा, हेल्दी कहें तो हेल्दी भी है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बस ये कोई फैंसी लुक दे रहा है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा सैंडविच, क्रोसान सैंडविच तैयार हो गया, क्रोसान ब्रेकफास्ट सैंडविच। इसी तरह अगर ये चिकन ब्रेस्ट बना के रख लें तो इसकी बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, ब्रंच में खा सकते हैं, स्नैकिंग में, शाम को। तो ये $15 का सैंडविच तैयार हो गया। इट्स दैट गुड, इन्जॉय टिल द लास्ट बाइट। लास्ट बाइट में इतना ही फ्लेवर आएगा जितना पहले बाइट में था। तो ये था ब्रेकफास्ट सैंडविच। अब इसी चिकन ब्रेस्ट में और भी कुछ बना सकते हैं। ये बनाया है मैंने मल्टी ग्रेन और पीटा रोल। पीटा रोल भी इसी तरह से बनाया कि पहले उसके स्लाइसेस काट लिए, उसके अंदर कुकम्बर, सैलेड और टमाटो और अपनी पसंद की सॉस जो भी रखना हो वो उसके अंदर डालें और उसको मज़े से खाएं। तो इस चिकन ब्रेस्ट से बहुत चीज़ें बन सकती हैं। देखते जाइए इसी तरह की वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिए।